स्वच्छता सर्वेक्षण में विदिशा और ऊपर पायदान पर पहुंचे शहर स्वच्छ रहे, इसके लिए नगर पालिका में बैठक हुई जिसमें नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन, प्रशासक व कलेक्टर पंकज जैन समेत गणमान्य नागरिक मौजूद थे। अच्छा, वो निर्माण का कचरा कहाँ डंप कर रहा है? कल वहाँ के खाद लेने का टैंक बना हुआ है। तो हफ्ते में भी अगर एक दिन स्वच्छता के लिए, सबसे बड़ा सुझाव है जन आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए भाई साहब। हर घर में हर डायरेक्ट आदमी के दिमाग में ये चीज होना चाहिए, हमें अपना शहर स्वच्छ रखना है, अपना घर भी स्वच्छ रखना है, अपनी सड़क भी स्वच्छ रखना है, अपनी नाली भी स्वच्छ रखना है, और इसमें शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करना है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। जैसे मुझे आप लोगों के तो सहयोग अभी चाहिए, जैसे मैं इमीडिएट में बताऊं जी, कल अरविंद जी आप थे ना उस समय, तो हाँ जब अपन वो भाई साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने स्वीकार भी किया, तो जैसे उनका एक बड़ी परेशानी थी, मैं नहाने के बाद कचरे को हाथ नहीं लगाता, इसीलिए मैं डालाता हूँ। अब इस चीज को मैं काउंटर नहीं कर सकता, मेरे काउंटर करने की सीमा है, क्योंकि कब मेरा उपहास उसको हर्ट कर जाए इसकी सीमा बड़ी महीन होती है। नहीं, वो तो बहुत सीधी सी बात है सर कि कचड़े को नहाने के पहले ही लोग हाथ लगाते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि वो ही डालें, उनके बच्चे से डलवा सकते हैं, किसी से तो डलवा सकते हैं, क्योंकि या उसको बाहर रख दे डली आप। सबसे बड़ी बात है मुझे आप लोगों से जो सहयोग चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं और उसके बाद तो घूला घूला भैंसी में पड़ा रहता है, जब तक ये घूले नहीं हटेंगे पार्शली सहमत हूँ, क्योंकि देखिए मैं यदि असहमत होता हूँ तो बोल देता हूँ, मतलब भैया मैं असहमत हूँ, नहीं मैं इनकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। और ये जो दंश है घूड़े का, मैं तो बता रहा हूँ, मेरा भांजा सपना में रहता था, हमारे घर के सामने घूड़ा था, हमारे पिताजी 7 या 8 साल से, घर हमारा उतना ही पुराना था, लगे रहे मेरी बैचमेंट जो वहाँ नगर निगम कमिश्नर धन्यवाद प्रतिभा पाल, इंदौर नगर निगम कमिश्नर, उसने बड़ी मुश्किल से नाली बनाई, और वो मतलब आज भी पिताजी उसके मेरे से ज़्यादा उसके गुणगान गाते हैं। उसके चक्कर मैंने देखा मेरा भांजा कुपोषित सा रहेगा, जबकि मेरे भांजे को कुपोषित होने की कोई कारण नहीं था, सामने घूड़े का दर्द हमने घर में देखा। आपका दर्द बिल्कुल सही, जो विषय आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोलिक ट्रॉली का, उसको लेके मेरे थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, वो टेक्निकल मतभेद है, इंटेंशन आपका भी वही है मेरा भी वही है। और देखिए मैं उसको ये बोलता, हालांकि मैं तो देखिए थोड़ी गुस्ताखी करता भी हूँ, सटल वे में बोलता भी हूँ, जिसको समझ आ जाए तो आ जाए, भाई तुम हाथ नहीं लगा रहे, तुम सूंघ रहे हो रोज सामने डालते।